बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले के 14 दिन का रोमांच, क्योंकि 14 दिन भी काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है भारतीय टीम के लिए। समरी आपको बताते हैं कि शुरुआती 3 दिनों में क्या हुआ। पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 404 रन लगाए, तो वहीं बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग में मात्र 150 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी और भारतीय टीम ने 258 रन पर डिक्लेयर कर दिया और बांग्लादेश को टारगेट दिया 504 रनों का। और यहां तक तीसरा दिन समाप्त हुआ। अब दो दिनों के खेल में बांग्लादेशी टीम को 450 से ज्यादा रन लगाने हैं। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश की टीम ये टारगेट पूरा कर पाती है नहीं। दोस्तों इसका जवाब भी हम आपको अभी दे देते हैं। दोस्तों जिस हिसाब से भारतीय टीम की गेंदबाजी फर्स्ट इनिंग में थी, वैसे ही गेंदबाजी का अटैक केएल राहुल करने वाले हैं 14 दिन के खेल में, क्योंकि कुलदीप यादव की गेंद काफी बेहतरीन तरीके से स्पिन हो रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि 14 दिन ही कुलदीप यादव ऑल आउट कर सकते हैं पूरी बांग्लादेशी टीम को मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर। और 14 दिन अगर भारतीय टीम बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया तो भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिराज को टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जान। दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन। दोस्तों तीसरे दिन भी अपनी पहली इनिंग को कंप्लीट करने आई बांग्लादेश की टीम। 202 विकेट हाथ में थे बांग्लादेश के और 113 रनों से भारतीय टीम ने पीछा किया बांग्लादेश का। 200 दिन के शुरुआत में ही भारतीय टीम ने सबसे पहले विकेट निकाली इबादत हुसैन की, जो कुलदीप यादव की इस गेंद पर 17 रन बनाकर ऋषभ पंत को अपनी कैच दे बैठे। 17 रन बनाकर इबादत हुसैन आउट हुए, 9वीं विकेट गिरी। अब से बल्लेबाज खलील अहमद और मेहदी हसन मिराज से। दोस्तों मेहदी हसन 25 रन बना चुके थे तभी वो आगे बढ़कर शॉट लगाने के चक्कर में क्रीज से आगे आ गए अक्षर पटेल की इस गेंद पर और पीछे से ऋषभ पंत ने स्टंपिंग कर दी, जिसके चलते 25 रन बनाकर मेहदी हसन मिराज आउट हुए और ऑल आउट हुई बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग में। जी हां दोस्तों, मात्र 150 रन पर पूरी ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की टीम और भारतीय टीम 250 रनों से आगे थी। जी हां दोस्तों, 254 रनों से आगे थी भारतीय टीम अभी भी। ऐसे में भारतीय टीम उतरी अपनी दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए, भारतीय टीम के पास 250 रन से भी ज्यादा की लीड थी। दोस्तों दूसरी इनिंग में भी शुरुआत शानदार दिलाई केएल राहुल ने, जहां केएल राहुल ने 20 रन लगाए, शुभमन गिल ने 15 रन लगाए। अभी लंच हो चुका है, भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 36 रन बिना कोई विकेट नुकसान के और लीड हो चुकी है 290 रनों की। दोस्तों आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, इसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों लेकिन लंच के बाद वापस से शुरू हुआ मुकाबला और केएल राहुल पहले ही ओवर में अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इस तरीके से केएल राहुल बांग्लादेश के खलील अहमद की गेंद पर तैजुल इस्लाम को कैच दे बैठे, 23 रन बनाकर 62 गेंदों का सामना करते कमाल लाजवाब राहुल आउट हुए। दोस्तों लेकिन उसके बाद तूफानी बल्लेबाजी की दूसरे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और भारतीय टीम के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर तूफानी पारी खेली और शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाया। लेकिन अर्धशतक लगाने के साथ साथ चेतेश्वर पुजारा ने भी अर्धशतक लगाया शुभमन गिल के साथ। दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी मैदान पर नजर आई। दोस्तों शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये शतक तक काफी जल्दी पहुंच जाएंगे और ये सपना भी उन्होंने जल्दी पूरा कर लिया ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाकर। दोस्तों शुभमन गिल ने पहला टेस्ट का शतक पूरा कर लिया है बांग्लादेश के खिलाफ। जी हां दोस्तों, शतक लगाया शुभमन गिल ने भारतीय टीम की दूसरी इनिंग में। लेकिन शतक लगाने के बाद मेहदी हसन मिराज की इस गेंद पर वो आउट हुए, लेकिन पुजारा ने भी बेहतरीन पारी खेली उनके साथ और पुजारा भी शतक पर पहुंच चुके थे। दोस्तों मेहदी हसन मिराज की गेंद पर शुभमन गिल आउट हुए 110 रनों की शानदार पारी खेलकर 152 गेंदों में। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे चेतेश्वर पुजारा और इन्होंने भी देखते ही देखते पूरा किया अपना शतक। जी हां दोस्तों, दो बल्लेबाजों ने मिलकर 200 रन लगा दिए भारतीय टीम की दूसरी इनिंग में। दोस्तों भारतीय टीम ने डिक्लेयर कर दिया 258 रन पर। जी हां दोस्तों, पुजारा 102 रन नाबाद गए और कोहली 19 रन नाबाद गए। भारतीय टीम का स्कोर 258 रन हो चुका था, जिसके चलते भारतीय टीम ने डिक्लेयर करने का फैसला किया क्योंकि भारतीय टीम के पास 250 से ज्यादा रनों की लीड आ चुकी थी। दोस्तों ऐसे में आखिरी के 10 ओवर खेलने आई बांग्लादेश की टीम। दोस्तों बांग्लादेश को जीतने के लिए लगभग 500 रनों का टारगेट मिला। ऐसे में बांग्लादेश ने दिन को समाप्त किया बिना कोई विकेट खोए 42 रन के स्कोर पर और अभी भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 471 रन चाहिए। जी हां दोस्तों, दो दिनों का खेल बचा है, चौथा और पांचवा दिन बचा है और बांग्लादेश को जीतने के लिए 471 रन लगाने हैं 10 विकेट में। लेकिन दोस्तों आप पुजारा और शुभमन गिल की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे, हमें कमेंट में जरूर। दोस्तों अगर आप चेतेश्वर पुजारा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा ने भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले में इतिहास रचाया, जहां इन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए दो दोहरे अर्धशतक लगाए। एक अर्धशतक लगाया चेतेश्वर पुजारा ने और दूसरा अर्धशतक लगाया शुभमन गिल ने और इन दोनों ने अपने अर्धशतकों को शतक में बदल कर रख दिया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई। दोस्तों सभी को बता दें, 431 रनों के 6 सेशन हो गए भारतीय टीम के लिए, जो काफी बड़ी बात थी। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के एक लौते ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने भारतीय टीम के लिए तीसरे नंबर पर आकर 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी दो बल्लेबाजों के साथ निभाई, जिसके साथ
चेतेश्वर पुजारा ने 51 इनिंग के बाद आज शतक लगाया है। जी हां दोस्तों, पिछले 50 इनिंग में चेतेश्वर पुजारा एक भी शतक नहीं लगा पाए थे, जिसके चलते भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के नाम रहा, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के लिए इतिहास रचा। दोस्तों बांग्लादेश को जीत के लिए 470 रन लगाने हैं अब दो दिनों में। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जान। दोस्तों अगर आप भी चेतेश्वर पुजारा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की दूसरी इनिंग में शतक लगाया शुभमन गिल ने और उनके साथ शतक लगाया चेतेश्वर पुजारा ने, जिसके चलते भारतीय टीम ने दूसरी इनिंग में भी सिर्फ 2 विकेट खोकर 258 रन लगा दिए। फिलहाल बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए 471 रनों की दरकार है, क्योंकि भारतीय टीम ने अपनी इनिंग को 258 रन पर ही डिक्लेयर कर दिया था। भारतीय टीम ने इतनी जल्दी डिक्लेयर इसीलिए किया क्योंकि शुभमन गिल का शतक बेहतरीन तरीके से आया और काफी जल्दी आया, जिसके चलते दिन के खत्म होने से पहले ही शुभमन गिल शतक लगा चुके थे और काफी ओवर बाकी थे अभी दिन को पूरा होने के लिए। तो भारतीय टीम ने इंतजार किया कि कहीं चेतेश्वर पुजारा भी तूफानी बल्लेबाजी कर अपना शतक लगाएंगे, और चेतेश्वर पुजारा ने भी वही किया, इन्होंने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया, जिसके चलते दोनों ही खिलाड़ियों का शतक हुआ और भारतीय टीम ने फैसला किया कि वो इनिंग को डिक्लेयर करेंगे 258 रन पर, जिसके चलते भारतीय टीम ने 506 रनों का टारगेट दिया था बांग्लादेशी टीम को मुकाबला जीतने के लिए, जिसके चलते तीसरा दिन समाप्त हो गया। अब बारी है दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन के बाद चौथे दिन की। दोस्तों तीसरा दिन आज का पूरी तरह से भारतीय टीम के हक में रहा, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के नाम रहा, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने एक ही दिन में 2 शतक लगाए। दोस्तों आप शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में। दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन कुछ ही देर में। दोस्तों शुरुआती दो दिनों में बांग्लादेश की टीम ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, जब पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 404 रन लगा दिए थे, और जब बांग्लादेश उतरी अपनी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए तो 133 रन पर ही भारतीय टीम ने 8 बड़े विकेट गिरा दिए बांग्लादेशी टीम के। फिलहाल मेहदी हसन, मेराज और इबादत हुसैन बल्लेबाजी कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। भारतीय टीम के कुलदीप यादव ने 4 बड़े विकेट निकाले बांग्लादेशी टीम के दूसरे दिन के खेल में। इसी के साथ दूसरा दिन समाप्त हुआ, लेकिन अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन की। तीसरा दिन कौन सी टीम के पक्ष में रहेगा? दोस्तों तीसरे दिन भारतीय टीम फील्डिंग करने उतरेगी, क्योंकि अभी भी 2 विकेट बाकी है बांग्लादेश के पास पहली इनिंग को समाप्त करने के लिए। तो दिन की शुरुआत में भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि 200 रन के अंदर ही पूरी बांग्लादेशी टीम को ऑल आउट कर दें, क्योंकि भारतीय टीम के पास कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने 3 बड़े विकेट निकाले हैं। इसलिए भारतीय टीम सबसे पहले 200 रन के अंदर ही बांग्लादेश को ऑल आउट करने का सोचेगी और उसके बाद फॉलो ऑन देना जरूर सोचेगी, क्योंकि फॉलो ऑन के लिए अभी भी 70 से ज्यादा रनों की दरकार है बांग्लादेश को। अगर इससे पहले भारतीय टीम बांग्लादेश को ऑल आउट करती है तो बांग्लादेश की टीम वैसे इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए और भी आसानी हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जान। दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक अच्छा गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन, जहां पहले दिन तो भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी थी। चेतेश्वर पुजारा की 90 रनों की पारी, श्रेयस अय्यर की 85 रनों की पारी के बदौलत, रविचंद्रन अश्विन के अर्धशतक के बदौलत भारतीय टीम ने पहले इनिंग में 404 रन लगा दिए थे और भारतीय टीम 404 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बारी थी दूसरे दिन के खेल में बांग्लादेश की पहली इनिंग, बांग्लादेश को चारों खाने चित्त कर दिया भारतीय टीम के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, जहां इन्होंने 3 बड़े विकेट निकाले बांग्लादेशी टीम के, वो भी टॉप ऑर्डर के, जहां इन्होंने शांतो, जाकिर हुसैन और लिटन दास जैसे बड़े बड़े विकेट निकाले। इन सिराज के बाद भी भारतीय टीम के एक और गेंदबाज ने पूरी बांग्लादेश की कमर तोड़कर रख दी, जिसका नाम था गुगली स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 बड़े विकेट निकाले। दोस्तों हालत दिन के आखिर में ये हो गई बांग्लादेश की, 135 रन पर ही 8 बड़े विकेट गिर गए बांग्लादेशी टीम के। जी हां दोस्तों, ऑल आउट होने की जल्दी कगार पर ठहरी हुई है बांग्लादेश की टीम, मात्र 133 रन ही बना पाई दूसरे दिन के खेल में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 271 रनों से बांग्लादेश की टीम दूर है भारतीय टीम के टोटल से। भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन टोटल बनाया और भारतीय टीम ने गेंदबाजी भी काफी बेहतरीन की। तो इसी के साथ दूसरा दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा और भारतीय टीम ये मुकाबला जीत भी सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों भारत बनाम बांग्लादेश के पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। दूसरे दिन की सुबह वापस से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए, 200 रन का साथ देने आए रविचंद्रन अश्विन, दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी सिर्फ 4 रन बनाकर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए अपने शतक से चूक गए श्रेयस अय्यर दिन की शुरुआत में। जी हां 286 रन बनाकर श्रेयस अय्यर 14 रनों से चूक गए अपने शतक से और बोल्ड हुए। 200 रन के बाद अश्विन का साथ देने आए कुलदीप यादव, अश्विन ने अच्छी पारी खेली, 40 रन लगाए और उनका बेहतरीन साथ दे रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 21 रन लगाए, जिसके चलते लंच हो चुका है। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 348 रन 7 विकेट। लेकिन लंच के ठीक बाद रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और पूरा किया अपना बेहतरीन अर्धशतक, ये टेस्ट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। दोस्तों लेकिन अर्धशतक लगाते ही बाहर आ बैठे क्रीज पर मेहंदी हसन की इस गेंद पर
और पीछे से विकेट कीपर ने अश्विन को स्टंपिंग कर दिया। दोस्तों अश्विन की एक अच्छी पारी, अर्धशतकीय पारी समाप्त हुई। 58 रन बनाकर अश्विन आउट हुए। उनके ठीक बाद कुलदीप यादव 20 रनों से LBW आउट हो गए। दोस्तों कुलदीप यादव भी 40 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए उमेश यादव, इन्होंने तो दो छक्के जड़ दिए शुरुआत में ही, लेकिन एक ही विकेट बाकी थी। सिराज भी वही चीज करने गए जो उमेश यादव करने गए थे, लेकिन इस बार मेहंदी हसन मिराज ने इनकी कैच पकड़ ली। 4 रन बनाकर सिराज आउट हुए। इसी के साथ भारतीय टीम की पहली इनिंग समाप्त हुई 404 रन पर। भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज से चेतेश्वर पुजारा 90 रनों की पारी खेल और 86 रनों की पारी खेल श्रेयस अय्यर। ऐसे में बारी थी बांग्लादेश की पहली इनिंग की। दोस्तों पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की इस गेंद पर अपने बल्ले का एजेवेट बांग्लादेश के सलाइन बल्लेबाज शांतो और पीजे श्रेयोदरी छप्पन ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते शांतो 0 रन बनाकर पहले ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए। भारतीय टीम को मिली शानदार शुरुआत। उसके बाद दूसरे सलाइन बल्लेबाज 20 रन बनाकर टिक गए थे, लेकिन फिर से सिराज ने वही गेंद रखी और इन्होंने भी अपने बल्ले का बड़ा एज दे दिया। और पीछे खड़े थे ऋषभ पंत, जिन्होंने इस तरीके से आसान कैच